हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं जॉब आज तक। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज जो मैं वैकेंसी लेके आया हूँ वोडाफोन में है। जी हाँ दोस्तों, वोडाफोन में हायरिंग चल रही है फ्रेशर्स के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस जॉब को अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या सैलरी पैकेज होगा, क्या जॉब लोकेशन होगा, क्या वीक ऑफ डेज होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर ले और नीचे बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि उनसे कोई इंपॉर्टेंट वैकेंसी मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वोडाफोन रिक्वायरमेंट 2021 इंजीनियर ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, ट्रेनिंग के लिए आपका वैकेंसी निकाला गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका बीटेक या एमटेक होना चाहिए। आपका ब्रांच जो है, स्ट्रीम जो है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम या फिर एमसीए होना चाहिए। आपका जॉब लोकेशन पुणे रहेगा, ठीक है। आपका जो पोजीशन होगा इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन रहेगा, ठीक है। जॉब लोकेशन पुणे है, कंपनी का ये वेबसाइट दिया हुआ, यहाँ पर भी आप क्लिक करके कैरियर पर जाके इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे द्वारा बताया गया स्टेप को फॉलो करके भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है आपका बीटेक होना चाहिए, मतलब आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक होना चाहिए, एमटेक या फिर एमसीए होना चाहिए, ठीक है। आपका स्ट्रीम जो है कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको क्या क्या वहाँ पे काम करना है। फॉलो आईटी डेवलपमेंट प्रोसेस टू डिलीवर टास्क टू सपोर्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट और एप्लीकेशन प्रोडक्ट। आपको ये सारे वर्क वहाँ पे करना है। पहले आपको सारा काम को अच्छे से सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, ठीक है। आपका जो और स्किल है जैसे डेव, ऑपोजिशन, सिक्योरिटी, मेंटेन एंड रिपेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारा आपको स्किल आना चाहिए, ठीक है। इस जॉब को अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हेयर पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ अब इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह का पेज खुलने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप वोडाफोन के होम पेज पे पहुँच चुके हैं। आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई नाउ। आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन पे आप लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, दूसरा ऑप्शन आप वोडाफोन की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पेज आपके सामने खुल चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिन लोगों का ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करके आपको नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और फ़ोन नंबर डाल के आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आपको साइन इन करना है, आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे साइन इन करना है, ठीक है। जैसे ही साइन इन में आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर द इंटरेस्ट इन वोडाफोन, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सीवी अपलोड कर लेना है, ठीक है। एक अपडेट सीवी बना लेना है आपको, ठीक है। उसमें आपको सीवी यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आपको आपने जहाँ भी अपना सीवी रखा है वहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सीवी अपलोड कर लेना है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो जो स्टार मार्क है वो मैंडेटरी आपको भरना ही है। जैसे टाइटल जो है आपका मिस्टर या जो भी है वो आप लिख लेंगे, अगर आप फीमेल है तो मिस लिख लेंगे। आपका यहाँ पर नाम, निक नेम भी आप भर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप ना भी भरे तो चलेगा। यहाँ मिडिल नेम लिख लेना है, फ़ोन नंबर आपको डाल लेना है, इंस्टीट्यूशन डाल लेना है जहाँ से आपने बीटेक पास आउट हुआ है, सेकेंड लाइन ऑफ एड्रेस डाल लेना है, मतलब आप अगर आपका ग्राम है, डिस्ट्रिक्ट है, तो आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर और आपको क्या हाइएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, जो जिन्होंने MBA या फिर MCA और MTech कर रखा है, वो अपना MTech कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे। अदरवाइज़ आप जो आपका क्वालिफिकेशन है आप वो चूज़ कर लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर, अपना विलेज का नाम यहाँ पे डाल लेना है, आपका स्टेट कौन सा है और आपका स्टेट अपने यहाँ पे सबमिट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है एक्सटर्नल वर्क हिस्ट्री, मतलब अगर आप कहीं पे जॉब करते थे तो आपका जो वर्क हिस्ट्री है वहाँ पे ऐड पे क्लिक करके डाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल के बारे में भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके, जैसे आप ऐड पे क्लिक करके भी इसको भर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है मोबिलिटी, यहाँ पे भी आप ऐड करके इसको भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात है, तो क्वालिफिकेशन भी आप डाल सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे लैंग्वेज स्किल है, तो आपका जो लैंग्वेज, सपोज आपको हिंदी, इंग्लिश, अगर और भी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज आपको आता है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
फिर उसके बाद जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में दिया हुआ है। तो ये नोटिस पीरियड, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आप कितने दिन में कंपनी ज्वाइन करेंगे वो आपको डाल लेना है। यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आर यू करेंटली इन कैरियर ब्रेक, मतलब तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू प्रोफाइल देख लेना, आपने क्या क्या भरा है उसको अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव कर लेंगे या फिर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इस जॉब के लिए आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको कंपनी शॉर्टलिस्टेड करेगी, शॉर्टलिस्टेड के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका एचआर राउंड होगा, एचआर राउंड के बाद सैलरी नेगोशिएशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको ही ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।